देश के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप भारत सरकार के नए नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कंपनी का कहना है कि सरकार द्वारा कहे जा रहे नियम अगर वे लागू कर देते हैं तो यूजर्स की निजता पर असर पड़ेगा। व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट से उस एक नियम को निजता के अधिकार के खिलाफ ठहराने की अपील की है, जिसमें सरकार के कहने पर कंपनियों को यह पता लगाना होगा कि कोई मैसेज सबसे पहले किसने और कहां से भेजा था। व्हाट्सएप ने दलील दी है कि यह नियम लागू होने के बाद कंपनी को उसके प्लेटफॉर्म पर गलत सूचनाओं या अफवाहों की शुरुआत करने वाले का पता लगाना होगा, लेकिन ऐसा करना उसके लिए इसलिए संभव नहीं है क्योंकि सभी मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। इस नियम के आने के बाद कंपनी को मैसेज भेजने वाले के साथ साथ रिसीवर का भी एनक्रिप्शन तोड़ना होगा। हालांकि व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट में दायर की गई इस याचिका के बारे में आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत किसी भी मैसेज के फर्स्ट ओरिजिनेटर को ट्रैक करने की बात कही गई है। बड़े सोशल मीडिया संस्थानों को अपनी वेबसाइट, ऐप या प्लेटफॉर्म पर फिजिकल कॉन्टैक्ट एड्रेस भी शेयर करना होगा। सरकार ने कहा कि किसी फेक मैसेज को आखिर भेजना किसने शुरू किया, इसकी जानकारी उस कंपनी को रखनी होगी। इस स्थिति में इन प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या ट्विटर हो, बताना होगा कि पहला मैसेज या पहली पोस्ट किस यूजर ने की है जिसके बाद यह अफवाह फैली है। तो व्हाट्सएप के अब कोर्ट पहुंचने के बाद इस बात पर दलीलें और तेज हो गई हैं और बहस लगातार बढ़ रही है।